खबर दिल्ली से। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट शूट आउट के आरोपी गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया पर प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य योगेश टुंडा इसके साथ ही तिहाड़ जेल में रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित डॉक्टरों ने कर दिया। एक अन्य कैदी रोहित भी घायल हुआ जिसका उपचार चल रहा है, उसको खतरे से डॉक्टर बाहर बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 में बदमाशों ने दिल्ली के टॉप मोस्ट वांटेड जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी थी। दीनदयाल कोर्ट रूम में गोलीबारी होते ही भगदड़ मच गई थी। गोली चलते ही जितेंद्र उर्फ गोगी के साथ अंदर गए कमांडो ने हमलावरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें ढेर कर दिया। इस मामले में सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। ये बदमाश टिल्लू गैंग के सदस्य थे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूट आउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर योगेश टुंडा उसके साथियों तिहाड़ जेल में रॉड से हमला कर दिया। टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल की हाई रिस्क वार्ड में ग्राउंड फ्लोर पर बंद था। टिल्लू पर सुबह करीब 6:15 बजे जेल में ही बंद चार बदमाश दीपक और तो तीतर योगेश टुंडा राजेंद्र और रियाज खान ने सुए से हमला किया था। बताया जाता है कि हमलावर चारों ने लोहे के रॉड से सुआ बना रखा था। हमलावरों ने टिल्लू के वार्ड में लगी ग्रिल को काटा अंदर घुस गए। जेल प्रशासन घायल अवस्था टिल्लू को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लेकर भी पहुंचे, यहां उसे डॉक्टरों मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद जेल प्रशासन भी सख्ते में, उधर पुलिस जाँच में जुटी है। वही टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जिम्मेदारी विदेश में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली है। उसने टिल्लू की हत्या के आरोप में गोगी गैंग चार बदमाश दीपक तीतर योगेश टुंडा राजेश व रियाज खान को गिरफ्तार किया है। वहीं टिल्लू के गांव में टिल्लू की कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।